दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये है आप लोगों का टॉप 5 कमेंट्स। दिस आर द टॉप 5 कमेंट्स ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ कलकत्ता ट्यूब। मैं हूं शबुज। आशा करते आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज मैं आया हूं आरुष मोटर्स पे, जो साउथ कलकत्ता में है, एक्साइड के पास। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार, पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन ज़रूर दबाना नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज पार्ट 1 होगा आरुष मोटर्स का, जिसमें मैं दिखाऊंगा सिर्फ होंडा का गाड़ियाँ। सो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर शिवम को। हाथ नहीं मिलाएंगे सर, दूर से ही, थोड़ा सा दूरी मेंटेन करेंगे हम लोग। वेलकम टू कलकत्ता ट्यूब। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल बी इंटरेक्टिंग विथ यू इन आरुष मोटर्स। तो आज सिर्फ होंडा का गाड़ियाँ दिखाएंगे, राइट? आज पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी आएंगे इसके बाद में, उसमें काफ़ी रेंजेस का गाड़ी हम दिखाएंगे। तो किस से शुरू करेंगे? होंडा एकॉर्ड से शुरू करेंगे आज? हाँ जी, एकॉर्ड से स्टार्ट। बढ़िया है, तो आ जाओ शिवम। दिस इज होंडा एकॉर्ड, राइट? यस। तो दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम सेडान में इसको गिना जाता है। हाँ जी, राइट। तो मेरे ख्याल से जब नया लॉन्च हुआ था, ये कौन से साल का गाड़ी है? ये 2012 की गाड़ी है। तो मेरे ख्याल से नया जब लॉन्च हुआ था 2012 में, इसका प्राइसिंग अराउंड 20-22 लाख रुपया था। आराम से था। तो ये टॉप मॉडल है या बीच का मॉडल? ये टॉप मॉडल पे आती है। टॉप मॉडल पे आता है, मेरे ख्याल से सनरूफ आता है। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये 2012 की गाड़ी है, 2022 तक टैक्स पेड करी हुई है, सिल्वर कलर की गाड़ी है। ये होंडा एकॉर्ड VXMT है। ओके, ठीक है। ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? ये ऑटोमेटिक है। वेरी गुड। मेरा काफ़ी सब्सक्राइबर्स है जो गाड़ी खरीदने के लिए बेचैन है, क्योंकि आपको पता है अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना फिरना काफ़ी रिस्क है। तो सबके लिए एक गाड़ी तो होना ही चाहिए, मैं मानता हूँ, सब बजट के लिए। तो मैं, हम लोग तो हर एक बजट के लिए दिखाएंगे गाड़ियाँ, 1 लाख का भी दिखाएंगे, 2 लाख का भी दिखाएंगे, 10 लाख का भी दिखाएंगे, राइट? पर हर कोई गाड़ी का सबसे बड़ा चीज़ है प्राइसिंग। और मेरा कलकत्ता ट्यूब कस्टमर्स के लिए एक एक्साइटिंग प्राइसिंग होना चाहिए। तो इसका प्राइसिंग क्या होगा? ये आरुष मोटर में सर, पहली बात प्राइसिंग की, आरुष मोटर में जो प्राइस में गाड़ियाँ दी जाती है, सबसे पहली बात है अपने क्वालिटी मेंटेन करते हैं गाड़ियों की, बेस्ट क्वालिटीज़ की गाड़ी रखते हैं। और प्राइसिंग आप मार्केट में वेरीफाई करवा सकते हैं, कहीं से भी अपने व्यूवर्स भी देख सकते हैं, या फिर कहीं प्राइसिंग वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी प्राइस के हिसाब से उन लोगों की प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत कुछ गैपिंग नहीं होता, बहुत ही रीजनेबल प्राइस हमारे पास है, क्योंकि अपने क्वालिटीज़ भी बहुत मेंटेन करते हैं। मैं ये मानता हूँ क्योंकि आरुष मोटर्स माना जाता है स्पेशली होंडा सिटी गाड़ी के लिए, और आरुष मोटर्स का हमेशा प्राइसिंग कम्पिटिटिव रहता है मार्केट में, ये मैं मानता हूँ। फिर भी मेरे चैनल के लिए एक एक्साइटिंग प्राइसिंग मुझे चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ज़रूर दिया जाएगा सर। जैसे ये 2012 की गाड़ी है, 22 तक टैक्स पेड की गई हुई है, इसकी प्राइस आपको 4.49 है। सो दोस्तों, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला, जब ये गाड़ी लॉन्च हुआ था 8 साल पहले, इसका अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग ऑन रोड था 20-22 लाख। 8 साल बाद आपको ये गाड़ी सिर्फ 4.5 लाख में मिलेगी। एग्जैक्टली 4.5 लाख। कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 16.5 से 17 लाख रुपया। और इसके बाद आप मत बोलना कि प्राइस ज़्यादा है। और इससे क्या हो सकता कम प्राइस? एकदम, जबकि सारे फीचर्स अपग्रेड फीचर्स में आप आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और इससे सनरूफ भी आ रहा है, इससे आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक नया गाड़ी खरीदने जाओगे सनरूफ के साथ, 12.5-13 लाख के नीचे कोई भी गाड़ी आज के रेट पे, तो आपको 4.5 लाख, वो भी प्रीमियम्स में आप आ रहे हैं। प्लस द गुड न्यूज इज दैट आप जब आओगे गाड़ी देखने के लिए, कलकत्ता ट्यूब का रेफरेंस दोगे,
तो आपको एक बढ़िया डिस्काउंट भी मिलेगा, और इससे बड़ा और मैं क्या कर सकता हूँ। जरूर जरूर एकदम। सो अगले गाड़ी के लिए ऊपर चलते हैं। हाँ, पहले इनका फीचर्स थोड़ा दिखा दीजिए, अंदर का इंटीरियर। जरूर मैं दिखा दूंगा। So, मेरे ख्याल से ये वाला गाड़ी 2012-13-14 का। हाँ, 2013 की है। तो और थोड़ा डिटेल्स दीजिए इस गाड़ी के बारे में। ये 2013 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स पेड करी हुई है। ओके, इसे होंडा सिटी है। साल गाइस, टैक्स का कोई झमेला नहीं है एकदम। और ये SMT है विथ ये बीच का है मॉडल। हाँ, मिडिल मॉडल है, पर मेरे ख्याल से 7 साल पुराना है। कोई भी एंगल से देख के तो नहीं लग रहा है। आपने सर क्वालिटी मेंटेन करते हैं पहली बार। पेंट ओरिजिनल है। हाँ, पेंट ओरिजिनल सर। दो एक मेरे ख्याल से हल्का पुल्का टच अप। टच अप तो होगी सर, आगे पीछे बम्पर। हाँ, एकदम एकदम होना ही चाहिए। होगा ही, नहीं होगा कोई बोलेगा नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा है। ओके, बढ़िया। और कितना किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी? अराउंड 45-49 ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से 7 साल पुराना गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी है। 45-49 जो भी है, 50 के नीचे होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब गाड़ी तो 5 लाख तक आराम। सर होंडा की इंजन है ना, 5 लाख तक आराम से चल जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता एकदम। और मेरे ख्याल से गाड़ी लेने के बाद भी फिगर का कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, अपने सर्विस ऐसा खर्चा नहीं करना। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। माने एकदम गाड़ी लो सर, अपनी सेल करनी मोटिव नहीं रहता है, तो सर्विस पहला मोटिव है, मोर इम्पोर्टेंट। सो मैं हमेशा उस डीलर के पास ही जाता हूँ जिसमें आफ्टर सेल्स सर्विस बढ़िया होता है। बिकॉज आफ्टर परचेजिंग अ कार, जब यूज कार होता है उसके बाद पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं गाड़ी तो खरीद लूँगा, उसके बाद उसके ऊपर खर्चा होना शुरू हो जाए तो वो ख़राब चीज़ हो जाएगा। और हैप्पी कस्टमर आपके पास भी होगा तो 5 कस्टमर और लेके आ जाएगा। एकदम एकदम सर, मैं आज के डेट पे हैप्पी होऊंगा आपसे और मैं 5 लोगों को बोलूँगा। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी तो यही मेन होता है एकदम। और आरुष मोटर्स मुझे पता है माना जाता है होंडा सिटी के लिए, और मेरा पहचान में भी काफ़ी लोग ले चुका है आपसे गाड़ियाँ, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड। और आपका आफ्टर सेल्स सर्विस भी बहुत बढ़िया है मुझे पता है। दिस वन इज 2013 कार, इसका टैक्स आपका 2023 तक पेड है, इसकी प्राइस आपकी 2.95 है। दोस्तों, हम लोग तीसरा गाड़ी के सामने आ चुके हैं, होंडा सिविक, जो मेरा भी पर्सनली हॉट फेवरेट गाड़ी है। एक तो होंडा सिविक, वो भी वाइट कलर में, काफ़ी ग्लोरियस लग रहा है गाड़ी।
देखने से ऐसा तो लग रहा है कि चाबी मैं ही अभी ले लेता हूँ और लेके चला जाता हूँ गाड़ी ड्राइव के लिए, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। सर ये सभी के लिए पसंदीदा कार है, इसका इंटीरियर जो है बहुत ही टू गुड है। इंटीरियर इज टू गुड लवली। और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी था एक ज़माने में, जब होंडा सिविक तो उसके बाद बंद हो गया था एक टाइम के बाद। तो ये कौन सा मॉडल है? 2010 की गाड़ी है। सो 2010 का गाड़ी है, देख के तो नहीं लग रहा है कोई भी एंगल से कि 2010 का गाड़ी है, 10 साल पुराना है। आप लोग मेंटेन कैसे करते हो यार इतना अच्छा कंडीशन में? कोशिश करते हैं सर जितनी अच्छी क्वालिटी हम लोग देख पाए। शूट के बाद आप मुझे चाबी देना, मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर, फिर शाम के टाइम में लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, मेरा मन तो होना भी चाहिए होंडा सिविक देख के। तो इसका प्राइसिंग भी खतरनाक होना चाहिए मेरा सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत ही खतरनाक है सर। और कितना किलोमीटर चला हुआ है? अराउंड 50 करीब होगी सर। प्राइसिंग बढ़िया हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली, आपने जैसे कि धमाका प्राइस है इसका विद इन 2 लाख। माय गुडनेस, मैं गिर जाऊंगा अभी। क्या बात कर रहे हो? विद इन 2 लाख दोस्तों, मैं तो अभी गिर जाऊंगा। होंडा सिविक 2 लाख के नीचे प्राइसिंग, मुझे तो लग रहा है कि पैसा दे के मैं लेके जाऊं गाड़ी। मैं ले लूं या आपके लिए छोड़ दूं? छोड़ दूं तो आप फटाफट आ जाओ यार, आज के आज आ जाओ, ये गाड़ी तो रहना नहीं है। YouTube में आएगा तुरंत सेल हो जाएगा। जरूर सर, हमारी कोई भी कंपनी की गाड़ियां हो, कोई भी मॉडल हो, बहुत ज़्यादा देर 1 हफ्ते तक रहती है हमारे पास, उसके बाद पे तो वो कस्टमर के घर जाती है। रिलीज होगा, मैं तो बोल सकता हूँ 2 घंटे के अंदर सेल हो जाएगा, गारंटी है। चलिए, क्योंकि मैं खुद कस्टमर होता, मैं तो हमेशा ले ही लेता ये गाड़ी। ये फर्स्ट चॉइस होती है, एक होंडा ऊपर से सिविक, और वो भी 2 लाख के नीचे, वो भी 2 लाख कंडीशन में यार, इतना ब्रिलियंट कंडीशन में। चलिए मैं आपको इंटीरियर। ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 अभी भी बाकी है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखियो और बेल आइकन प्रेस करके रखना भूलना नहीं, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं भी आ सकता है। तब तक सस रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।